अंडर में है। इस रोड की जो हालत है वो बुरी तरह खराब है, स्लाइडिंग की वजह से तीन या चार जगह से इतनी तंग रोड हो गई है कि जहाँ से बस का गुजरना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। जो हमारा काउंसलिंग सेंटर यहाँ रजौरी में होना चाहिए वो यहाँ से उठा के तो वो मतलब कोटतड़ा में भेज रहे हैं, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा जैसे हमारा हॉस्पिटल उठा के वहाँ भेजा गया, उससे हमें जम्मू या श्रीनगर हॉस्पिटल जाना बेहतर है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। एक ज्यादती हमारे साथ पहले हुई है, अगर ये दूसरी ज्यादती हमारे साथ करेंगे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ सर, जो काउंसलिंग सेंटर की बात है, क्योंकि एक हिसाब लगा लें कहाँ है बीजी गली और कहाँ देरा गली और कहाँ सुंदरबनी नुशारा, कितना दूर है। ये एक सेंटर प्लेस में होता तो मेरे ख्याल से हम सब भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बच्चों के लिए मस्ट होता। तो यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर मेरे से नुशारा सुंदरबनी है, कहाँ बुद्धल, कहाँ कालाकोट और कहाँ धराल। यहाँ सेंटर में होता तो बेस्ट था, ज़्यादा अच्छी बात थी। चलो जो एक पॉलिटिकल इशू को लेके ये लोग ज़्यादा मतलब एक गेम बना के कोई चीज़ उधर की उधर कर रहे हैं, इधर किधर कर रहे हैं, और ऊपर से हमारा जो MLA जो हमारा जो सिटिंग MLA साहब हैं उनको और हमारे MLC साहब हैं उनको भी इस चीज़ पर थोड़ा कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि हमारी सिटिंग MLA और हमारी सिटिंग MLA जो सिटी के उनकी ये हाल है तो फिर बाकी वालों को क्या होगा। तो रही बात जुल्कार साहब की, वो भी हमारे लीडर है, SP को बात हम उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे सब एक ऐसे, लेकिन जो चीज़ जेन्युइन है, जो जायज़ है, उसके लिए हम सबको मतलब क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है सिख है, हम सबको मिलके एक जगह पे जो चीज़ जहाँ पे शूट करती है वहीं पे शूट करें तो अच्छी बात है। जब हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का नाम आज़ादी में आएगा तब अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम भी आएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी है। और आज अगर ये फिरका प्रस्ती करें भारतीय जनता पार्टी वाले और हमें बदनाम करें, यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यहाँ पे रहें, क्योंकि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही बात करेंगे। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी रजौरी के अंदर हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया इससे पहले, ये नहीं कि हुकूमत इस वक्त PDP की या BJP की वो हमारे गरीब लोगों के साथ ज्यादती करेंगे। आज रजौरी के अंदर इससे पहले जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज आया ट्विन डिस्ट्रिक्ट का, वो यहाँ से उठाया वहाँ पर बनाया, वो जब के सेंट्रल प्लेस में होना चाहिए, वो आवाम के फैसले से होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के कहने से।